हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतू कारोलिया। VCC के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। जब हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो इसको हमारे पार्ट 4A के अंतर्गत रखा गया है हमारे संविधान के। इससे पहले के पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। जब हम 4A की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कैपिटल ए होता है, मतलब ABCD होता है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान में ये शामिल नहीं थे, इनको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और ये इसके अंतर्गत आर्टिकल 51A आएगा। और सेकेंड पॉइंट जो है वो कहता है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और 42nd अमेंडमेंट में जब इसको जोड़ा गया था तो इसके अंतर्गत 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था। और हमारी जो 11वीं ड्यूटीज़ है या 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है कि रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी बोरोड फ्रॉम USSR। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर शामिल किए गए, ना केवल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, बल्कि पूरा जो 42nd अमेंडमेंट है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। और इसको USSR रूस से लिया गया है हमारे संविधान में। अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, पहले 10 थी। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनके बारे में अब हम आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए, कई बार क्वेश्चंस बनता है कि जिस तरीके से फंडामेंटल जो राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन किए जाने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, तो क्या उसी तरीके से हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी भी यदि हम हानि करते हैं या उनका वायलेशन करते हैं तो उसके लिए भी क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? तो देखिए, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं हमारी, वो एक तरीके से मौलिक हमारे कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य हैं, जो ये उम्मीद करते हैं आपसे, या जो सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, भारत के नागरिक हैं, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इनका सम्मान करेंगे। आपको यदि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो स्टेट के अगेंस्ट में आपको दिए गए हैं, और यदि आप उनको एंजॉय कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं कि इनका आप सम्मान करें। तो यदि आप इनको सम्मान नहीं करते हैं तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो इनके पैरेलल ही कुछ हमारे संविधान में कुछ ऐसे कानून हैं जिनके द्वारा आपको सजा दी जा सकती है। जैसे हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि वन और वन्य जीव का संरक्षण करें, और ये आपका मौलिक कर्तव्य है। तो यदि आप इनका पालन नहीं करते हैं, उनका संरक्षण नहीं करते हैं, वन और वन्य जीव का, तो इसके लिए आपको कोई सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारा 1973 है, 1973, उसके अकॉर्डिंग या उसके अंतर्गत यदि आप वन और वन्य जीव का संरक्षण नहीं करते हैं, उनको किसी भी तरीके से हानि पहुँचाते हैं, तो आपको सजा का प्रावधान किया गया है। वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। उसी तरीके से जो हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, हमारे राष्ट्रगान हैं, उनका सम्मान करना फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और यदि आप उनका सम्मान नहीं करते हैं तो कोई सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन हमारे कानून में ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिनके अंतर्गत यदि आप इनका सम्मान नहीं करते हैं और उनका किसी भी तरीके से अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, तो सजा का प्रावधान उसके अंतर्गत किया गया है, कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत। चलिए अब हम विस्तार से बात करते हैं हमारे जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो जो हमारी पहली ड्यूटी है वो कहती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो फर्स्ट ड्यूटी जो है वो कहती है कि भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें और जो संविधान के आदर्श हैं उनकी स्थापना करें। और हमारे जो राष्ट्रध्वज, हमारी ऐसी संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रगान हैं, उनका सम्मान करें, उनका अपमान ना करें। तो ऐसे ये आपका मौलिक कर्तव्य है। सेकंड जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि जो भी हमारे नोबल आइडल्स हैं और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स या जो भी हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रहे हैं, तो सेकंड उसमें कहा गया है कि जो भी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनका आप सम्मान करें, उनको अपने हृदय में संजोएं। तो सेकंड ड्यूटी में ये कहा गया है। थर्ड जो है वो कहती है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो थर्ड जो ड्यूटी है वो कहती है देश के सभी नागरिक जो हैं देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। तो सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, इसको आप याद रखिएगा।
देखिए, कई लोगों को जो है याद नहीं होते हैं कि इनको हम कैसे याद रखें जो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप इनको दो दो के पेयर में याद करें, दो दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद रखें, तो उससे आपको आसानी भी होगी और जब आप इनको देखेंगे तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये दो दो के पेयर में ही इनसे कुछ संबंध बनता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड थोड़ी सेम है, फिर थर्ड और फोर्थ उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो जो थर्ड हमारी ड्यूटी है वो कहती है कि देश की जो भी नागरिक हैं वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। उसके बाद हमारी जो ड्यूटी है वो कहती है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। मतलब हमने आपको आर्टिकल 23 में भी बताया था जब हमने पढ़ा था कि जो फोर्स लीवर है उसके लिए आपको आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है कि आप कोई कार्य करें, और यदि आपसे कोई व्यक्ति कार्य लेता है तो वो आपको उतना वेतन देगा जो उस कार्य के लिए बनता है। और लेकिन यदि स्टेट को कभी ज़रूरत है, देश को कभी आपकी ज़रूरत है, तो वो आपको फोर्स लीवर आपको फोर्स कर सकती है कि आप आर्मी ज्वाइन करें जब देश की ज़रूरत है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी वही कहा गया है कि देश की रक्षा के लिए यदि देश आपको आह्वान करता है, आपको बुलाता है, तो आपको आना होगा, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट जो ड्यूटीज़ है वो हमारी कहती है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। इसमें कहा गया है जो हमारी फिफ्थ है कि देश में समरसता, हार्मनी का जो है वह समान भ्रातृत्व ब्रदरहुड की भावना का विकास करें, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो किसी भी महिला के सम्मान और गरिमा का जो है गरिमा के खिलाफ हो, तो ऐसी प्रथाओं का आपको त्याग करना है। नेक्स्ट जो हमारी ड्यूटी है वो कहती है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि देश में जो सामाजिक संस्कृति है, हमारी जोड़ने वाली संस्कृति है, उसका सम्मान करें, और इसके अलावा जो भी हमारी गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को आप समझें और उसका सम्मान करें। तो हमारी जो भी समरसता जिसको हम बोलते हैं सामसिक संस्कृति या गौरवशाली परंपरा है उसका सम्मान करें। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो कहती है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, तो संरक्षण करें और वन और वन्य जीव जो हमारी नदियाँ झीलें हैं और पर्यावरण की रक्षा करें। वन और वन्य जीव इस जो भी हैं इनका आपको सम्मान भी करना है और उनकी रक्षा भी करना है, उनका संरक्षण करना है। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो कहती है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो इसमें कहा गया है कि आपको क्या करना है, साइंटिफिक टेम्पर, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, उसके साथ साथ आप जो है मानववाद व सुधार, ज्ञान अर्जन, हर चीज़ को क्या है लॉजिक करके आपको देखना है। तो किसी भी व्यक्ति को जो है अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, यह आपका कर्तव्य है, और लॉजिक के आधार पर चीज़ों को देखना है। इससे क्या होगा, आपका विकास होगा और जो उससे हमारे देश का विकास होगा। नेक्स्ट जो हमारी ड्यूटी है वो कहती है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और किसी भी तरीके से उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जब भी देश में हड़तालें होती हैं, प्रोटेस्ट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी सार्वजनिक संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाया जाता है। बसें जलाई जाती हैं, ट्रेनें जलाई जाती हैं, या कोई भी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुँचाया जाता है। तो देश की प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह देश की जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसका सम्मान करे और उसकी रक्षा करे, उसको किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचाए। नेक्स्ट जो हमारी ड्यूटी है वो कहती है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस ड्यूटी में कहा गया है कि उत्कर्ष की ओर, एक्सीलेंस की ओर बढ़े, और वो किस तरीके से इंडिविजुअल और कलेक्टिव, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आपको विकास करना है और उत्कृष्ट एक्सीलेंस की ओर बढ़ना है। लास्ट जो ड्यूटी है वो कहती है कि जो 86th अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था, हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कहता है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के जो भी उनके बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। तो माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, जिससे बच्चों की जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण
निर्मित हो और बच्चे जो है उनका मानसिक विकास हो सके, उसके द्वारा देश का विकास होगा। तो यह हर एक माता पिता का कर्तव्य है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी। इनसे कई क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जैसे ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, क्या ये हमारे मूल कर्तव्य थे या जो हमारे मूल संविधान में इनको शामिल किया गया था, वो कौन सी समिति है जिसके द्वारा इनको जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति, और पहले कितने कर्तव्य थे, उसके बाद कौन सा जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है जो हमारा मौलिक कर्तव्य। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ से बनते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर बार इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है और अच्छे से इनको इनके आप नोट्स बनाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।